प्रणाम आपके और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। तो आज का जो आपका अभ्यास है वह है डायबिटीज़ को लेके। 5 आसन आप सीखेंगे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। एक बात आपने बहुत ध्यान से अभ्यास करनी है जब आप ये 5 आसन कर रहे हैं। पैंक्रियाज हमारा मुख्य केंद्र होगा क्योंकि पैंक्रियाज से इंसुलिन बनती है और इंसुलिन ही आपकी मदद करता है ग्लूकोज को पूरी बॉडी में पहुँचाने में। तो ध्यान रखिएगा ये 5 आसन, इनका प्रभाव होगा पैंक्रियाज पर। तो सारा हमारा जो एक लक्ष्य होगा वो यही होगा कि हम पैंक्रियाज को ट्रिगर कर सकें, उसको एक्टिवेट कर सकें इस प्रकार से कि वो एक सही मात्रा में इंसुलिन बॉडी तक पहुंचाए। फिर टाइप ए टाइप बी 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, उसके विषय में हम 5 आसनों के बाद बात करेंगे। पहला आसन देख लीजिए। पहला आसन है आपका अर्धमत्स्येंद्रासन। अब इस आसन में सबसे पहले तो अपने पाँव को आपने रिलैक्स कर लेना है, पीठ सीधी करके धीरे धीरे श्वास लेने हैं, इनहेल एक्सहेल करना है, शरीर को आराम दे देना है। शुरुआत करेंगे हम राइट तरफ से, तो उसके लिए लेफ्ट हील को हमने नीचे बांध लेना है इस प्रकार से। सीधी हील, सीधे पाँव की हील, राइट हील को आपने लेफ्ट नी के साथ में इस प्रकार रख देना है। यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाने के बाद अपने लेफ्ट एल्बो राइट नी के साथ इस प्रकार लगानी है और एक नमस्ते बना लेना है यहाँ पर। तो इससे आपका जो प्रेशर है, तो आपने ये रखा इसलिए है कि आप अपनी नी को पीछे की तरफ पुश कर सको। तो आपने ऐसे लगा के प्रेशर देना है और रुक जाना है यहाँ पर। श्वास आपके एक्सहेल होंगे, एक्सहेल करके रुकना है। तो लगभग 30 सेकेंड का आपने यहाँ पर होल्ड बना के रखना है। फिर धीरे धीरे यहाँ से आप निकल के बाहर आ जाइए। दूसरी तरफ हम करेंगे, राइट को अंदर की तरफ रखना है, लेफ्ट लेग क्रॉस करेगी राइट नी को और फिर राइट एल्बो राइट शोल्डर तक लेके आ सकते हैं आप और फिर वही नमस्ते करके रुक जाना है। एक्सहेल किया है, नीचे देख रहे हैं, इनहेल करके आप ऊपर देख सकते हैं, बट इस आसन के लिए अभी आप एक्सहेल करके नीचे ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ से निकल के आ जाइए। यह आपने पहला आसन किया अर्धमत्स्येंद्रासन, 30 सेकंड का एक सेट होगा, ऐसे आपने 3 सेट करने हैं। सरलता से करने वाला आसन है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, धीरे धीरे करिएगा। दूसरा आसन है आपका पश्चिम उत्तानासन, उसके लिए दोनों पाँव को आगे इस प्रकार फैला दीजिए, पीठ सीधी रखनी है, थोड़ा शांत सांसें लेनी है, इनहेल एक्सहेल करके शरीर को थोड़ा आपने आराम देना है। करना है क्या है इस आसन में, आपने एक्सहेल करना है और पेट को अंदर की तरफ ले लेना है, इस प्रकार पेट अंदर चला जाएगा। फिर आगे की तरफ झुक के दोनों हाथों से अपने अंगूठे इस प्रकार पकड़ लेने हैं। यदि अंगूठे पकड़ में आ गए तो बहुत अच्छा है, इनकेस यदि ये नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी शिन को पकड़ सकते हो, अपनी थाइज़ को पकड़ सकते हो या कोई कपड़ा लेके पाँव को बांध सकते हो। हमारे लिए बेस्ट जो काम रहेगा वो यही रहेगा कि आपने अपने अंगूठे पकड़ने हैं, तो आपने अभ्यास बढ़ाना है यहाँ तक। श्वास क्या रहेंगे इसमें, एक्सहेल है, देखिएगा एक बार एक्सहेल किया और फिर नीचे की तरफ चले जाना है, आपका नाक दोनों नीज के बीच में डाल देना है आपने, इनहेल करके ऊपर देखना है, एक्सहेल करेंगे और अंदर चले जाना है दोनों पाँव के बीच में, बहुत आराम से ऊपर आ जाना है। इसमें भी वही नियम, 3 सेट करने हैं, 30-30 सेकंड का एक सेट होगा। तो ये आपके 2 आसन हो गए। तीसरा आसन देखिए, अभी सरल आसन है तीसरा आसन भी, इसे कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या फिर अधोमुखी स्वनासन। दोनों पाँव इस प्रकार से होंगे, हाथ आपके मैट पर हैं और एक्सहेल करके आपने रुक जाना है यहाँ पर। अगर सांस की ज़रूरत है तो इनहेल करके ऊपर देखा और फिर वापस वही एक्सहेल करके। सर आपका दोनों हाथों के बीच में होगा, नीचे देखना है, टोज भी ज़मीन पे हैं और हील भी ज़मीन पे रहेगी, थोड़ा खिंचाव पैदा होगा काफ मसल में, थाई में, उसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। ये तीसरा आसन है आपका, वही 30 सेकंड का एक सेट है, ऐसे 3 सेट करने हैं। अब धीरे धीरे इस आसन से भी बाहर आ जाओ। चौथा आसन है आपका
पादहस्तासन, उसके लिए पहले तो ऐसे खड़े हो जाना है आपने, हाथ अपने शरीर के साथ ऐसे रखने हैं। इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, अच्छा एक्सहेल करना है आपने, पेट अंदर की तरफ खींच लिया और बहुत धीरे धीरे हाथों को आपने नीचे ले जाना है। कोशिश करनी है कि हाथ आपके मैट को छू लें, आप उनको आगे भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो पोजीशन है ये बेस्ट पोजीशन है, जब आपके हाथ बिल्कुल अपने पाँव के साथ होते हैं और आपका नाक दोनों नीज के बीच में होता है। यहाँ तक आने में कई स्थितियाँ बन सकती है, हो सकता है आप यहीं पर रुके हुए हों तो कोई चिंता का विषय नहीं है, धीरे धीरे करके अपने को ऐसे तैयार करो, पुश करके अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ। अगर पेन होती है बैक में तो थोड़ा सा नी को बेंड कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका आसन हुआ पादहस्तासन, चौथा आसन है आपका ये। फिर धीरे धीरे आपने आगे आ जाना है, तीन सेट करने हैं, 30-30 सेकंड का एक सेट है। अंतिम आसन करेंगे, ये आसन है बालासन, सरल आसन है ये भी। दोनों पांव जोड़ लिए इस प्रकार से, ये वज्रासन जैसी स्थिति होगी। बहुत धीरे धीरे पहले थोड़ा आपने अपनी बैक को इस प्रकार से घुमा लेना है, थोड़ा बैक की तैयारी कर ली इस आसन के लिए। फिर रुक जाना है, यहाँ पर शांति से बैठ जाइए, ऐसे रुके रहना है इसी में। फिर धीरे से एक्सहेल करना है और पेट को अंदर तक लेके जाना है, आगे की तरफ आप पुश करोगे, हाथों को आगे फैला देना है, माथा नीचे लगा देना है। इनहेल करके ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, पेट अंदर गया, फिर बाहर की तरफ सर लगाया आपने नीचे, तो धीरे धीरे इनहेल करके ऊपर आएंगे और हाथों को आराम से नीचे ले आएंगे। इसके भी तीन सेट करने हैं, 30 सेकंड का एक सेट होगा और बहुत आराम से किया जा सकता है। पांच आसन आपने सीखे अभी, पांचों को क्रमानुसार करिएगा। पहला आपने अर्धमत्स्येन्द्रासन किया, दूसरा आपने पश्चिमोत्तानासन किया, तीसरा आपने अधोमुखी स्वनासन किया, चौथा पादहस्त था और पांचवा बालासन था जिसमें हाथ आपने आगे फैलाए थे। डायबिटीज़ में फिर से ध्यान रखिएगा, दो तरह की है, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए में इंसुलिन ही नहीं बनती है तो उसको बनाने का हमारा पूरा अभ्यास होना चाहिए। उसके लिए आपने क्या क्या आसन करने हैं, किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, खान पान का ध्यान रखना है, व्यायाम करना है, वो आपने विचार करना होगा। दूसरी टाइप बी जो है उसमें बॉडी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उसको रिसीव ही नहीं करती है, उसको रेजिस्ट करती है, आपके इंसुलिन को रेजिस्ट करती है, आपके ग्लूकोज को पहुंचने नहीं देती है बॉडी तक, तो वो ग्लूकोज फिर शरीर में रह जाता है, ब्लड में रह जाता है, जो हानिकारक होता है। दोनों ही स्थिति में आपने ध्यान रखना है कि बॉडी एक्टिव रहे, अच्छा आपका भोजन होना चाहिए, अच्छा आपका व्यायाम होना चाहिए। और पाँच आसन अभी आपने कर लिए, इसके साथ कई और अभ्यास हैं जो भविष्य में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। अभी आप इन पांच आसनों का अभ्यास करो, फिर प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं, वो सब भी आपने ज़रूर सीखनी है। आज के लिए इतना ही, आपके और प्रश्नों और ट्रेनिंग के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, प्रणाम।